जालिम का महल चुकना चूर होकर रह जाएगा। जब कमजोर मिल जाएंगे तो जालिम इख्तदार पर नहीं रहेगा बल्कि कमजोर सत्ता में आएंगे। ये वक्त का तकाजा ये है कि हम मिलकर अपनी कोशिशों को जारी और सारी रखें। मैंने कल रात में भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि दलितों को, मुसलमानों को हमारे गुज्जर भाइयों से सबक हासिल करना पड़ेगा, जाटों से सबक हासिल करना पड़ेगा, राजपूतों से सबक हासिल करना पड़ेगा। जब राजपूत अपनी नेता को बनाते हैं, कोई उनका नेता भाजपा में होता है, कोई कांग्रेस में होता है, तो किसी को तकलीफ नहीं होती है। जब जाटों का नेता कांग्रेस में होता है और बीजेपी में होता है तो किसी को तकलीफ नहीं होती है। जब इन समाजों का बड़ा बड़ा नेता हर पार्टी में मौजूद है मगर जब दलित खड़े होकर कहता है कि मैं मेघावाल को अपना नेता बनाऊंगा, जब मुसलमान खड़े होकर कहता है कि हाँ ओवैसी जो बात कह रहा है कि राजस्थान में मुसलमानों का नेता होना चाहिए, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे जब गुज्जर का नेता हो सकता है, राजपूत का नेता हो सकता है, जाट का नेता हो सकता है, अरे हर बरादरी का नेता हो सकता है, तो क्यों नहीं राजस्थान के दलित और मुसलमान अपना नेता बनाते हैं। बनाओ अपने नेता को। क्या आप अपने नेता को बनाएंगे? क्या आप अपने नेता को बनाएंगे? ये नेता आपके दरमियान से उठेगा, कोई आसमान से आने वाला नहीं है, आप कोई जमीन के नीचे से निकल कर नहीं आएगा, वो तुम्हारे दरमियान से उठेगा। उसको तुमको अपना नेता बनाना पड़ेगा। और अगर तुम नेता बनाओगे तो याद रखो, जितेंद्र मेघवाल की जिस तरह हत्या की गई, कोई माइका लाल, कोई जालिम दोबारा कोई जितेंद्र मेघवाल को मारना तो छोड़ो, उसको हाथ लगाने से पहले सोचेगा। अगर राजस्थान के मुसलमान अपना नेता बनाएंगे तो आप और हम इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह आपकी हमारी आंखों ने जुनेद और नसीर की हत्या को देखा, हम उस हत्या को नहीं देखेंगे, उस पर रोक लग जाएगा। क्योंकि मारने वालों को, जुल्म करने वालों को मालूम हो जाएगा कि मुसलमान राजस्थान का, दलित राजस्थान का जाग चुका है, वो अब तुम्हारे जुल्म को सहने वाला नहीं है, वो कि तुम्हारी बात से डरने वाला नहीं है, वो तुम्हारे झूठे वादों पर एतमाद नहीं करेगा, बल्कि वो अपने मुकद्दर के फैसले करेगा। जो लोग दलित और मुसलमानों का इस्तेमाल और एक्सप्लाइटेशन करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम इनके गुलाम बनकर रहे, हम इनके ताबे रहे, और वो ये चाहते हैं कि हमारे मुकद्दर के फैसले वो करेंगे। तो सुनो कांग्रेस और बीजेपी वालों, तुम एक कमरे में बैठकर दलित और मुसलमानों के मुकद्दर के फैसले नहीं करोगे, बल्कि हम तुम्हारे सामने कुर्सी डालकर, मेघावाल पैर पे पैर डालकर, ओवैसी तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि हम करेंगे हमारे मुकद्दर के फैसले, तुम नहीं करोगे। हम जो बोलेंगे हमारे समाज के बारे में, जो हम बेहतर जानते, तुमको करना पड़ेगा।